हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रिएक्टर अली, मैं नाम एलिसन। वेलकम बैक टू एन अदर रिएक्शन वीडियो। सैड नाज का ये वीएम है, मैं जिस दिन भुला दूं, और ये जुबिन नौटियाल का सॉन्ग है। मैंने पहले ये सॉन्ग भी नहीं सुना, इसका भी मुझे लिंक दिया था आप लोगों ने, सो लेट्स वॉच आउट। और अरीबा एक्स क्रिएशन इनका ये वीडियो है, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, लेट्स वॉच आउट। तेरे दिल से कहा इश्क तो है वही जो है बेइंतहा, तूने कभी जाना ही नहीं, मैं हमेशा से तेरा तेरा ही रहा। क्या गाना है कि जब तक जियूं मैं जियूं साथ तेरे, फिर चांद बन तेरी गली का, मैं जिस दिन भुला दूं दिल से वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का, मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का, न ठहरेगा कोई और किसी का, मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से वो दिन आखरी हो मेरी जिंदगी का, मेरी जिंदगी का। मैं वो ख्वाब हूँ जो किसी ने ना देखा, वो किस्सा हूँ मैं जो बिन तेरे था, हाँ मैं वो ख्वाब हूँ जो किसी ने ना देखा, वो किस्सा हूँ मैं जो बिन तेरे था, कोई चीज जचती नहीं है कसम से मेरे हाथ में तेरे हाथों से ज्यादा, मेरे रात दिन भी लिखे नाम तेरे, मेरे रात दिन भी लिखे नाम तेरे, जरा हाल देखो दीवानगी का, मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का, मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से वो दिन आखिरी हो। नाक टूट गया होगा उसका। अब कोई गम रुला ना सकेगा कि तू है बहाना मेरी हंसी का, मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से वो दिन आखरी हो मेरी जिंदगी का। ओ खत्म। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये सॉन्ग मैंने पहली बार सुना है, ये सॉन्ग बहुत ही शानदार गाना है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद इसमें मैंने बहुत सारी, अब फ्रेंड्स पे कोई मोर देन 50 वीडियोस बना ली है, बट अभी भी बहुत सारे सीन्स ऐसे हैं जो मैंने नहीं देखे हुए। अब यहाँ पे कुछ सीन्स थे वो मेरे लिए नए थे, मैंने पहली बार देखे। इट इज़ अनदर ब्यूटीफुल वीएम। जैसे जैसे हम सुनते रहते हैं इन पे गाने, वो लगता है कि इन्हीं के लिए बने हुए हैं, ये भी कुछ वैसा ही था। और सारे ही क्यूट मोमेंट थे। एक मोमेंट आई गेस ये मुझे तो पता भी नहीं था, लेकिन आप लोगों ने बताया था कि सिद्धार्थ बिग बॉस के बीच में ही उनकी हेल्थ का कोई इशू था, तो वो छोड़ के चले गए थे, हॉस्पिटलाइज्ड हो गए थे। तो
तो फिर वो जब वापस आए तो वो तब का सीन था जब शनाज मिली थी उनसे, आई गेस इट वॉज अ क्यूट वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर सजेशन। और जिस करते रहे जरूर रिएक्शन आएगा, रिएक्शन आने में थोड़ा टाइम ज़रूर लग जाता है लेकिन आता ज़रूर है। सो अगर आपने एक बार कमेंट कर दिया है तो वो इनफ है, मैं उस पर ज़रूर रिएक्ट करूँगा। जब आप बार बार करते हैं तो अंदर से मुझे कुछ होता है कि यार मैं क्यों लेट किए जा रहा हूँ। सो विद इन 10 days आ जाएगा, इससे पहले आ जाएगा, सो इतना वेट कर लिया करें। दैट वॉज द रिएक्शन, हो सो आपको अच्छा लगा। मिलते हैं किसी रिएक्शन के साथ, अब तक के लिए अलानी के पास।